हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणविक संरचना, और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्याएं बता चुका हूं आपको कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, आकार, आकृति आदि का निर्धारण करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और क्वांटम संख्याओं में पहली जो प्रमुख क्वांटम संख्या उसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर दो नंबर पर आती है द्विगंशी या द्विगंशीय, एक ही बात है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसके बारे में हम व्याख्या कर चुके हैं। और अब तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे आप बोलते हो, और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि चुंबक के क्वांटम संख्या को मैग्नेटिक एम के हिसाब से इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। और याद रखना, इस क्वांटम संख्या की खोज एक वैज्ञानिक थे, लेंडे, और लेंडे ने इसकी खोज की थी। फिर हम इसके बिंदुओं की बात करते हैं। तो खोजकर्ता लेंडे थे, और मैं फिर जो प्रथम बिंदु है उसके रूप में ये बोलूंगा कि ये क्वांटम संख्या है वो किसी उपकोष से संबंध जो कक्षक होते हैं, किसी उपकोष से संबंधित जो कक्षक होते हैं, तो उन कक्षकों के बारे में बताती है। मतलब उपकोष, जैसे मैं यू बोलूंगा SPDF, ठीक है ना, तो इनसे संबंधित ये तो उपकोष है, ये कौन है, उपकोष। और इन उपकोष में कितने कितने कक्षक बनेंगे, इन उपकोष में कितने कक्षक बनेंगे, उस उनकी संख्या के बारे में, उनके बारे में ये क्वांटम संख्या बताती है। तो आप एक नंबर बिंदु याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या वो ये जो उपकोष है इन उपकोष में कितने कक्षक होते हैं उनके बारे में जानकारी देती है। तो हमारा बिंदु हो गया कि है क्वांटम संख्या उपकोष से संबद्ध कक्षकों की संख्या के बारे में बताती है। जैसे यहां आ जाएगा उपकोष के नीचे कक्षकों की संख्या, तो कक्षकों की संख्या जैसे इसमें 1, 3, 5, 7, मैं बताऊंगा अभी व्याख्या करूं इसकी कि S जो उपकोष है उसमें एक कक्षक होगा, P उपकोष में 3 कक्षक होंगे, D उपकोष में 5 कक्षक होंगे, F उपकोष में 7 कक्षक होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी मैं इसकी व्याख्या करता हूं। फिर हम बात कर लेते हैं यह क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। यानी पहले नंबर पर बिंदु हमने लिखा कि ये उपकोष है और इन उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है इस बारे में बताती है। फिर हमारा दूसरा बिंदु यह आ जाता है कि कक्षकों, यानी ये जो कक्षक बताऊंगा आपको, यहां S में 1 होगा, P में 3 कक्षक होंगे, D में 5 होंगे, इन कक्षकों के अभिविन्यास ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। ओरिएंटेशन अभिविन्यास मतलब X, Y, Z 3 अक्ष माने जाते हैं साइंस में, ठीक है, और तीनों अक्षों में ये जो कक्षक हैं वो तीनों अक्षों में और किस प्रकार व्यवस्थित हैं उसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन, कि एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में और कक्षों का या कक्षकों का व्यवस्थित होना उसका ओरिएंटेशन कहलाता है, अभिविन्यास कहलाता है। तो ये जो क्वांटम संख्या है, कौन सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है। तो इतना बात भी आप अपने नॉलेज में रखिएगा कि ये किसके बारे में बताती है, अभिविन्यास के बारे में, किसका अभिविन्यास, कक्षकों के अभिविन्यास। तो ये कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में भी बताती है। फिर तीसरे बिंदु की मैं अगर बात करूं तो आप ध्यान में रखना कि प्रत्येक जो उपकोष है, कौन सा, SPDF, प्रत्येक उपकोष है और उसके लिए आप क्वांटम संख्या M का मान ज्ञात करोगे, इन उपकोष के लिए आप क्वांटम संख्या M का मान ज्ञात करोगे, यानी S उपकोष में क्वांटम संख्या M का मान कितना होगा, P उपकोष के लिए क्वांटम संख्या M का मान कितना होगा, D उपकोष के लिए
क्वांटम संख्या m का मान कितना होगा, वो अगर आप m का मान ज्ञात करना चाहोगे प्रत्येक कोश के लिए तो आपको एक सूत्र काम में लेना पड़ेगा, और उस सूत्र को मैं बोलूंगा 2L+1। क्या बोलूंगा, प्रत्येक उपकोश के लिए और क्वांटम संख्या m का मान, यानी कौन सी है m, मतलब चुंबकीय, तो प्रत्येक उपकोश के लिए चुंबक के क्वांटम संख्या m का मान जिस सूत्र से ज्ञात करते हैं वो सूत्र 2L, ये समोल l है, 2L+1 सूत्र से ज्ञात किया जाता है। और आपको यहां l के जो मान है वो l के मान आपको ध्यान में रखना है, l के मान आपको 0, -L और प्लस L तक लेने हैं, ठीक है। इसका आप समझ गए कि L का मान यहां आप 0 रख सकते हो, L का मान यहां आप -1 रख सकते हो, L का मान यहां आप +1 रख सकते हो, इसी प्रकार बढ़ाकर रख सकते हो। तो L के मान आपको 0, माइनस L और प्लस L तक आपको यहां रखने हैं। तो हम अब प्रत्येक उपकोश, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है, तो अपने क्या करेंगे, जो प्रत्येक उपकोश है, प्रत्येक उपकोश के लिए हम और चुंबक के क्वांटम संख्या m का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां इस सूत्र में l बराबर 0 रखते हैं, ठीक है ना, 0 रखते हैं। तो मैं लिखूंगा, जब l बराबर 0 हो तो, जब l बराबर 0 हो तो, तो आप देखिए l बराबर 0 रखूंगा तो यहां 0 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 0 0 0 हो गया, ये प्लस 1 यही बच गया। तो l बराबर 0 हो तो फिर इस सूत्र में यहां वैल्यू रखूंगा, और वैल्यू रख करके इस प्रकार से आपके m का मान आ जाएगा। जब l बराबर 0 हो तो m बराबर, यानी l बराबर 0 रखूंगा तो 0 रखते ही और ऑटोमेटिकली वो m का मान आ जाएगा, तो m का मान 1 आ गया। जान लेना कि सूत्र में l बराबर 0 रखा, 0 रखा तो यहां चुंबक के क्वांटम संख्या का मान ज्ञात करना है। तो जब l बराबर 0 रखा तो क्वांटम संख्या कौन सी होगी, तो क्वांटम संख्या का मान 1 प्राप्त होगा, और मान 1 प्राप्त होगा, 1 मान प्राप्त होने का अर्थ है s कक्षक, ठीक है ना। क्यों, देखिए 1 मान प्राप्त हो रहा है तो कौन सा कक्षक आ जाएगा, s कक्षक आ जाएगा। जब 1 मान प्राप्त होगा, L की वैल्यू रखोगे, एक मान प्राप्त होगा, तो M का मान 1 आ गया, M का मान 1 आने का अर्थ है कि S उपकोश प्राप्त हो गया। तो S आपके उपकोश प्राप्त होता है, ठीक है ना, S उपकोश प्राप्त होता है, यानी ये यूं कर देता हूं, जब M बराबर 1 आया तो S उपकोश प्राप्त हो गया। और देखिए, जब सोचिए आप कि यहां l बराबर 1 रखूं तो यही रख देता हूं, जैसे यहां l बराबर 1, तो देखिए l बराबर 1 रखा इस सूत्र में तो 2 × 1 यानी 2 तो ये हो गया और 1+ ये 3 हो गया। तो l बराबर 1 हो तो बताना मेरे को, l बराबर 1 हो तो बताना m बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर 1 हो तो जानते हो आप M बराबर 3 हो जाएगा। और जब M बराबर 3 प्राप्त हो गया तो देखिए M बराबर 3 प्राप्त हो गया तो कक्षकों की संख्या तो 3 हो गई, M का मान 3 आने का अर्थ है कक्षकों की संख्या 3 आ गई। लेकिन याद रखना, उपकोश कौन सा प्राप्त होगा, उपकोश P प्राप्त होगा, तो P उपकोश प्राप्त होता है। और याद रखना, S में आप जानते हो S में एक बॉक्स यू बनता है, ठीक है ना, यानी M बराबर 1 आ रहा है तो S होगा, S में एक बॉक्स बनेगा। और अगर L बराबर 1 रखूं, L बराबर 1 रखूं तो M का मान 3 प्राप्त होगा, M का मान 3 प्राप्त होने का अर्थ है P उपकोश प्राप्त हो रहा है, और P उपकोश प्राप्त हो रहा है तो P में आप जानते हो इस प्रकार से 3 बॉक्स बनते हैं, बनते ना 3 बॉक्स, 3 बॉक्स बनते हैं। पहले वाले को तो बोलते हैं पी एक्स, बीच वाले को बोलते हैं पी जेड, और लास्ट वाले को बोलते हैं पी वाई। आपको बीच वाला पी जेड बोलना है। तो देखिए
ये पी कक्षक एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में, इसकी जो पाली है, इसकी जो लोब है, इसके जो बॉक्स है, वो तीनों अक्षों में और अभिविन्यासित हो रही है, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में इस प्रकार से। और आप बताइए जब एल बराबर दो रखूं तो, एल बराबर दो होगा तो यहां एल बराबर दो रखने पर क्या होगा, एल बराबर दो रखने पर दो दूनी चार और एक पांच, तो यहां पांच आ जाएगा एम का मान, चुंब के क्वांटम संख्या का मान पांच हो जाएगा। और चुंब के क्वांटम संख्याओं के मान पांच हो गए तो देखिए पांच हो जाने पर कौन सा उपकोष प्राप्त होगा, डी उपकोष प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा तो यहां लिख दूंगा डी उपकोष प्राप्त होगा। और आप जानते हो डी उपकोष में पांच बॉक्स होते हैं, डी उपकोष में पांच बॉक्स होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है कि जब D बन गया तो D में पांच होते हैं और वो पांच X, Y, Z अक्षों में किस प्रकार अभिविन्यासित होते हैं वो बता रहा हूं। अगर आप पहले को डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर लिख देते हो, इनका निर्धारण किया गया है, ठीक है ना, वो मैं बता रहा हूं कि पहले को अगर आप डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर लिख देते हो तो लास्ट वाले को आप सीधा ही डी एक्स डैश वाई लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आप यहां लिख सकते हो, ये वाला आप यहां लिख सकते हो, पहला और अंतिम आप चेंज कर सकते हो। पहला डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर कर दिया तो लास्ट वाला डी एक्स डैश वाई डैश कर देना, या पहले वाले को आप ये बना देते हो, कहने का यहां लिख देते हो आप डी एक्स डैश वाई डैश तो लास्ट वाले में स्क्वायर वाला आ जाएगा। और अब तीसरा जो बीच वाला है, तीसरा, इससे आप डी जेड स्क्वायर करना, डी जेड स्क्वायर इनका निर्धारण किया गया, पांच है तो पांच भाग है ना, उनके क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के हिसाब से वो यहां पर निर्धारण किया गया है। तो बीच वाला डी जेड स्क्वायर हो गया। अब दो और बच गए, दो में एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, इसको बोल दू मैं डी एक्स जेड तो दूसरे वाला हो जाएगा डी आपके वाई जेड, पहले को मैं डी एक्स जेड बोल दू तो दूसरा डी वाई जेड, इनको भी आप आगे पीछे कर सकते हो, पहले और अंतिम को आप आपस में चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में जो बीच वाला तीसरा है, पहले से इधर जाओगे या इधर से, यानी लेफ्ट से राइट आओ या राइट से लेफ्ट जाओ, तो तीसरा जो आता है तीसरा फिक्स है, उसको डी जेड स्क्वायर रखना है, बाकी आप कोई से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इस दूसरे वाले को डी एक्स जेड कर दिया और आपके पांचवे को मैंने डी वाई जेड कर दिया, आप इनको भी इंटरचेंज कर सकते हो, तो आप ध्यान में रखना इस प्रकार से पांच। और अगर मैं L बराबर तीन रखू, L बराबर तीन रखू तो यहां L बराबर तीन आ जाएगा, तो तीन दूनी छह और एक सात, तो यहां M का मान सात हो जाएगा। और M का मान देखिए सात हो जाने पर, यानी कक्षकों की संख्या सात आ जाने पर, M का मान सात हो जाने पर F उपकोष प्राप्त होता है, तो यहां लिखूंगा F उपकोष प्राप्त होता है। और F उपकोष में आप याद रखना सात बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जितनी संख्या बता रहा हूं उतने बॉक्स बनते हैं, तो सात उपकोष होते हैं इस प्रकार से F आपके उपकोष में, तो F उपकोष में सात बॉक्स होते हैं। लेकिन एक खास बात कि यहां अब इनका निर्धारण नहीं किया गया है, यहां लिख देते हैं जटिल आकृति, क्या नाम लिखा जाता है, इनका कोई निर्धारण नहीं किया गया है बाद वालों में, डी के बाद वाले जितने भी हैं, डी के बाद वाले जितने भी हैं उनका कोई निर्धारण नहीं किया गया कि कौन सा बॉक्स है, इसको एक्स वाई जेड में कैसे निरूपित किया गया, ये नहीं बताया गया है, सिर्फ यू लिखा जाता है जटिल आकृति। तो यहां चाहे तीन रखू चाहे चार रखू, उसके बाद वाले जितने बनेंगे उन सारों की जटिल आकृति होगी, उनका निर्धारण नहीं किया गया है, तो थोड़ी सी ये बात आप याद रखना। तो चुंबक के क्वांटम संख्या को एम से दर्शाते हैं, इसकी खोज लेंडे ने की थी, और यह क्वांटम संख्या है वो आप याद रखना उपकोष से संबंधित जो कक्षकों की संख्या है उसके बारे में ये निर्धारण करती है। और जैसे मतलब मैं यूं बोलूं कि एस पी डी एफ ये उपकोष है, तो एस में कक्षकों की संख्या एक होगी, यानी एक बॉक्स बनेगा, एस का हमेशा एक बॉक्स बनता है, और पी उपकोष में कक्षकों की संख्या तीन होगी, अर्थात इस प्रकार से तीन बॉक्स बनते हैं तो तीन हो गए। और डी उपकोष में, डी उपकोष में कक्षकों की संख्या पांच होगी, यानी डी में पांच बॉक्स बनते हैं, और एफ उपकोष में कक्षकों की संख्या सात होगी, यानी सात बॉक्स बनते हैं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एस का
कोई निर्धारण नहीं है, इसे यूं बोलते हैं कि गोलाकार है, ये गोलाकार है। पी में पी एक्स पी जेड और पी वाई निर्धारित किए गए हैं। डी में पांच भाग है, तो मतलब डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और लास्ट वाला डी एक्स डैश वाई डैश और तीसरे वाला डी जेड स्क्वायर और दो और बच गए उनको आप डी एक्स जेड और डी वाई जेड बोल दोगे इस प्रकार से, ठीक है ना। और प्रत्येक उपकोष के लिए अगर आप चुंबक के क्वांटम संख्या का मान m का मान ज्ञात करना चाहते हो तो आपको सूत्र काम में लेना है 2l plus 1 और l का मान आपको 0 माइनस 1 या प्लस 1 रखना है। जब आप 0 से शुरू करोगे l बराबर 0 तो l बराबर 0 रखोगे तो आपके m का मान 1 आ जाएगा। m का मान 1 आने पर s उपकोष होगा और अगर आप l बराबर 1 रखोगे 1 रखने पर और आपके मान m का मान 3 आ जाएगा, m का मान 3 होने पर p उपकोष होगा और आप अगर l बराबर 2 रखोगे तो 2 रखने पर और आपके m का मान 5 आ जाएगा, m का मान 5 होने पर d उपकोष प्राप्त होगा और अगर आप l का मान 3 रखते हो तो l का मान 3 रखने पर और आपके m बराबर 7 आ जाएगा और m बराबर 7 आने का अर्थ है कि f उपकोष प्राप्त होगा और f उपकोष की आकृति भी जटिल होती है और बाद वाले सारे के सारे उनकी आकृति भी जटिल होती है। सिर्फ D तक और X, Y, Z अक्षों का निरूपण किया गया है, D के बाद X, Y, Z अक्षों पर निरूपण नहीं किया गया है, इसलिए जटिल आकृति बोली जाती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में ये थोड़ी सी बात आप ध्यान में रखें।